नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश, आप देख रहे हैं टेक्निकल राम जी। और आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 6 दिसंबर से यानी कि जो दोस्तों आपको जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन के जो न्यू टैरिफ प्लान्स मिलेंगे, यानी कि न्यू जो प्लान आपसे रिचार्ज करवाते हैं वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। हालांकि देखा जाए तो एयरटेल एंड वोडाफोन ने तो पहले ही अपना प्लान लॉन्च कर दिया था जो बहुत ज़्यादा महंगा है, 40% ज़्यादा महंगा है वो पुराने वाले से, लेकिन जियो ने भी अपना लॉन्च कर दिया है और 6 दिसंबर से ये लागू हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको कंपेयर करके बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन सा आपका प्लान सस्ता पड़ेगा और कौन सा आपका सबसे ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और मैं कंपेयर भी करूँगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निकल रामजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों पहले आपको न्यूज बताने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला देना चाहता हूँ, आपको ये देख लीजिए। सुनो, आपके लिए कुछ न्यूज है। नहीं नहीं, एयरटेल के बारे में नहीं, वो तो बिल्कुल वैसे ही है। आउटगोइंग, इनकमिंग, लोकल, एसटीडी कॉलिंग सब फ्री, कुछ भी नहीं बदला। बट आई हैव चेंज समथिंग, बहुत कुछ बदल गया पर एयरटेल नहीं। तो ये ऐड जो आया था जियो के लिए, जहाँ पर ये बता जा रहा है कि जी हाँ जियो बदल चुका है, 6 पैसे पर मिनट लगा दिया है। और टीवी में ये ऐड भी आ रहा था कि आप अपना नंबर पोर्ट करा सकते हो संग संग, लेकिन यहाँ देखो दोस्तों ये नया प्लान है और नीचे में छोटे से कोने में छुपा के रखा है कि अभी सब कॉल्स पे 6 पैसे पर मिनट लगेंगे और ये है नया प्लान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने छोटे से साइड में लिखा गया है, बट अब टेंशन मत लो, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ इनका नया प्लान, ठीक है, और कंपेयर भी करके बताऊंगा। और वोडाफोन ठीक है, वो अपनी जगह पे था बिल्कुल, और इसने कोई भी ऐसा चीप हरकत नहीं किया एयरटेल जैसा कोई वीडियो या फिर कोई ऐसा ऐड बना के, तो ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं यहाँ पर जियो की तरफ। तो जियो का जो दोस्तों प्लान है मैं आपको यही समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, और जितना भी मैं बताऊंगा ना सब आपको लास्ट में कंपेयर करूंगा। तो पहले दोस्तों 199 में एक महीने के लिए आपको 1.5 GB डेटा मिलता है, और एक महीने का यानी कि 28 दिन में आपको सिर्फ 1000 मिनट मिलेंगे कॉल करने के लिए। अगर आप एक महीने में 2 GB जाते हो यानी कि रोज़ का 2 GB आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको 249 rupees का रिचार्ज करना पड़ेगा, 1000 मिनट्स आपको मिलेंगे 28 डेज के लिए। और अगर आपको 3 GB डेटा चाहिए रोज़ का 1 मंथ के लिए, तो आपको 349 का रिचार्ज करना पड़ेगा और एक महीने में आपको मिलेगा 1000 मिनट्स कॉल करने के लिए। अभी आते 2 महीने के प्लान की तरफ। ये 2 महीने वाला जो प्लान है 56 दिन वाला, ये सिर्फ आपको एक्सक्लूसिवली जियो में ही मिल रहा है। एयरटेल एंड वोडाफोन ऐसा 2 महीने का कोई भी प्लान नहीं बता रहे, वो सिर्फ 28 दिन वाला और 84 दिन वाला है। तो यहाँ पर 2 महीने का भी प्लान है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को राहत है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले मैं 2 महीने का प्लान समझा देता हूँ। अगर आपको रोज़ का 1.5 GB मिलेगा 56 दिनों के लिए, वहाँ पर आपको 2000 मिनट्स मिलेंगे कॉल करने के लिए। और लाइक जियो टू जियो तो फ्री रहता है, लेकिन जियो टू एयरटेल या वोडाफोन या कोई भी ऐसा दूसरा कंपनी अगर आप कॉल करते हैं, लाइक दूसरा उपभोक्ता यानी कि दूसरा कोई भी टेलीकॉम सर्विसेज से आप कॉल बात करना चाहते हैं, तो आपको लगता है वो 2000 मिनट्स में से कटेगा। तो यहाँ पर आपको 1.5 GB डेटा मिलता है 399 में 56 दिन के लिए। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आप अगर 444 यानी कि 444 के रिचार्ज कराते हैं, तो आपको 56 दिन के लिए ही 1.5 GB नहीं बल्कि 2 GB का रिचार्ज मिलेगा रोज़ का 56 दिन के लिए, 2000 मिनट मिलेंगे। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं 3 महीने का प्लान, जो सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया लोगों के लिए जो जियो कोई भी एयरटेल या वोडाफोन यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यही रिचार्ज कराते हैं। तो अभी दोस्तों 555 यानी कि 555 rupees देना पड़ेगा 1.5 GB 84 days के लिए, और यानी कि 84 दिन के लिए, और आपको उसमें 3000 मिनट्स मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप 2 GB चाहते हैं रोज़ का 84 दिन के लिए, तो आपको उसके लिए जो है दोस्तों 599 rupees देने पड़ेंगे, जिसमें आपको वही 3000 मिनट्स मिलेंगे और 84 दिन का आपका ये पैक रहेगा, जिसमें रोज़ के आपको 2 GB मिलेंगे। और अगर आप 12 महीने का रिचार्ज कराना चाहते हैं, तो उसमें आपको 1.5 GB मिलेंगे रोज़ के, जिसमें 12000 मिनट्स मिलेंगे आपको 365 days के लिए, यानी कि 365 दिन के लिए, और उसमें 1.5 GB रोज़ का मिलेगा। और इस 12 महीने का प्लान का दोस्तों प्राइस है 2199 rupees। यही था कुछ इंपॉर्टेंट जियो के प्लान्स। तो दोस्तों चलिए फाइनली वो टाइम आ चुका है जो अब मैं तीनों का कंपैरिजन करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि जितने भी एयरटेल एंड वोडाफोन का जो प्लान है वो बिल्कुल सब कुछ सेम है, और प्राइस भी लगभग 1-2 रुपये ऊपर नीचे, लेकिन सेम है। लेकिन जियो जो है जितना भी उनका प्लान है ना, उन सबसे 50 rupees दाम कम रखा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जियो हर जगह 50 rupees कम दे रहा है, लेकिन 3 महीने वाला में जियो ने एक गेम खेल दिया, यानी कि एक गेम चेंजर हो गया। यहाँ पर जैसे एयरटेल एंड वोडाफोन जो है 698 एंड लगभग 700 रुपये ले रहे हैं 3 महीने, यानी कि 84 दिन का रोज़ का 2 GB मिलेगा। वहीं पर जियो जो है दोस्तों 100 रुपये कम कर दे रहा है और 599 ले रहा है, यानी कि सिर्फ 600 रुपये ले रहा है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर 700 ले रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि आप अपना नंबर जियो में चेंज करवाएं या ना, क्योंकि ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि 100 रुपया जो है दोस्तों आपका बचेगा।
और अब तो दोस्तों हमारा आदत भी बन चुका है, यानी कि हम सभी का आदत बन चुका है, क्योंकि 2016 से इतना ज़्यादा चीप था प्लान और अब जाके इतना ज़्यादा हो चुका है। लेकिन फिर भी हम लोग जो इसका आदि हो गया, यानी कि इसका जो हम लोग आदत पड़ चुका है ना नेट का, अब बिना भरा है तो कोई रह भी नहीं सकते, इसीलिए भराना पड़ेगा ही, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी जियो हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा है और अपना इज्जत किसी तरह से बचा लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को जो है जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है दोस्तों। और इस वीडियो में जो है दोस्तों शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों के संग, फ्रेंड्स के संग, फैमिली के संग, रिलेटिव के संग। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय। और उम्मीद है जो मैं समझाया हूँ आपको अच्छे तरह से समझ में आया हो।